नमस्कार, सत्य हिंदी में आपका स्वागत है। मैं नीरज सिन्हा, बात झारखंड विधानसभा चुनाव पर। 81 सदस्य झारखंड विधानसभा के लिए दो चरणों में 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्र वापस लिए जाने की तिथि खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है और इसके साथ ही प्रचार का युद्ध जोर पकड़ने लगा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार झारखंड में सत्ता में वापसी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जबकि सत्ता बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा हर एक दांव आजमाने में जुटा है। आज हम बात करेंगे बीजेपी में बुझाए नहीं बुझी बगावत की चिंगारी। दरअसल 19 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी ने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी और इसके साथ ही पार्टी में बगावत की चिंगारी फूट पड़ी थी। कई जगहों पर नेताओं और उम्मीदवारों में असंतोष उपजा था और इस्तीफा का सिलसिला भी शुरू हुआ। इस्तीफा का यह दौर अब तक खत्म होता नहीं दिख रहा है। इस बीच 1 नवंबर की तारीख भारतीय जनता पार्टी के लिए एक राहत वाली खबर लेकर आई, जब पार्टी के रणनीतिकार और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सत्यानंद झा बाडुल, जो पूर्व मंत्री हैं, और वीरेंद्र मंडल को मनाने में सफलता पाई। सत्यानंद झा बाडुल और वीरेंद्र मंडल ने नाला सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा था। वीरेंद्र मंडल जामताड़ा सीट से उम्मीदवार थे। इस बार पार्टी ने वहां से सीता सोरेन को उम्मीदवार बनाया है। वीरेंद्र मंडल को टिकट नहीं मिलने के बाद उन्होंने नाला सीट पर पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी थी। नाला सीट राज्य की प्रतिष्ठित सीटों में एक है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार रविन्द्रनाथ महतो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। रविन्द्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधव चंद्र महतो से होना है। पिछले 2019 के चुनाव में रविंद्रनाथ महतो ने भारतीय जनता पार्टी के सत्यानंद झा बाडुल को हराया था। अब पूछा जा सकता है कि बागी किस किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के लिए परेशानी का सबब बने हैं, कौन सी सीट पर वे समीकरण बना और बिगाड़ सकते हैं। पूछा यह भी जा सकता है कि इससे झारखंड मुक्ति मोर्चा को कितना लाभ मिल सकता है। एक एक सीट की हम जानकारी देंगे, एक एक सीट की हम चर्चा करेंगे। इस बीच 2 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के सिमोन मालतो ने इस्तीफा दे दिया है। आदिवासियों में पहाड़िया समाज से आने वाले सिमोन मालतो का इस्तीफा पार्टी के लिए एक झटका के तौर पर देखा जा रहा है। 2019 के चुनाव में सिमोन मालतो संथाल परगना में बरहेट सीट से चुनाव लड़े थे और 48,000 वोट लाकर दूसरे नंबर पर थे। बरहेट राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सीटों में एक है। यहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गमालियन हेमरम को उम्मीदवार बनाया है। गमालियन हेमरम 2019 के चुनाव में आसू पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और महज 2,500 वोटों पर सिमट गए थे। इधर 2 नवंबर को इस्तीफा दिए जाने के बाद सिमोन मालतो ने कहा है कि पार्टी ने आदि पहाड़िया समाज की अनदेखी की है और इससे वे अपमानित महसूस कर रहे हैं। सिमोन मालतो का इस्तीफा पहाड़िया समाज में एक मैसेज दे सकता है और बरहेट सीट पर वो चुनाव को कितना प्रभावित करेंगे इसे देखा जाना है। हालांकि यह माना जा रहा है कि सिमोन मालतो का इस्तीफा पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं है। 2 नवंबर को ही कोडरमा में पूर्व सांसद रीतलाल प्रसाद वर्मा के बेटे प्रणव वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया और झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्होंने ज्वाइन किया है। इससे पहले रघुवर दास की सरकार में मंत्री रही डॉक्टर लुईस मरांडी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया था। दुमका से टिकट नहीं दिए जाने के बाद लुईस मरांडी ने यह कदम उठाया है और अब लुईस मरांडी जामा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लुईस मरांडी का दुमका में भी खासा प्रभाव रहा और इसका लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकता है। संथाल परगना से निकलकर आते हैं राज्य की धनवार सीट पर। यह सामान्य जनरल सीट है और प्रतिष्ठित सीटों में शुमार है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया ब्लॉक में शामिल सीपीआईएमएल दोनों ने राज धनवार की सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। इन दोनों दलों के उम्मीदवार उतारे जाने के बाद अब तक यह माना जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी की यहां राह आसान हो सकती है, लेकिन इस बीच निरंजन राय के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर धनवार की सीट पर डटे रहने से अब कई किस्म की चर्चाएं भी शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी रहे निरंजन राय एक धनपति और बड़े कारोबारी हैं। धनवार इलाके में उनकी लोकप्रियता के साथ भारतीय जनता पार्टी का जिस वर्ग में वोट है, जहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है, वहां निरंजन राय की भी पकड़ मानी जाती है। हालांकि निरंजन राय को मनाने की कोशिशें तमाम हुई, लेकिन वे सिरे नहीं चढ़े। पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे भी निरंजन राय को मनाने गए थे। अब निरंजन राय बाबूलाल मरांडी की चुनावी राह में कितना बड़ा रोड़ा बनते हैं, यह देखा जाना है। धनवार सीट से ही निकलकर आते हैं उत्तरी छोटा नागपुर की बरकट्ठा सीट पर। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अमित यादव को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के जानकी यादव से होना है। 2019 के चुनाव में अमित यादव निर्दलीय चुनाव जीते थे और इस बार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अमित यादव को टिकट दिए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के दो जमीनी और पुराने कार्यकर्ता बटेश्वर मेहता और कुमकुम देवी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है और लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बटेश्वर मेहता और कुमकुम देवी अमित यादव की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। धनवार सीट से निकलकर आते हैं गुमला की सीट पर, जो आदिवासियों के लिए रिजर्व है और सबकी निगाहें इस सीट पर लगी है। दरअसल बीजेपी के बागी मिसिर उराव मैदान में डटे हैं और मिसिर उराव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। 2019 के चुनाव में मिसिर उराव भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़े थे और 59,000 वोट लाकर वे दूसरे नंबर पर थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा से महज 7,000 वोटों से हारे थे। इस बार गुमला की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुदर्शन भगत को मैदान में उतारा है। गुमला सीट की जो तस्वीर है उस पर अगर थोड़ी बात कर लें तो 1995 से अब तक हुए 6 चुनावों में 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 3 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां जीत दर्ज की है। जाहिर तौर पर दोनों दलों के लिए यह सीट बेहद अहम रही है। मिसिर उराव को भी मनाने के लिए तमाम कोशिशें की गई, लेकिन वे माने नहीं और अब यह समझा जा रहा है कि मिसिर उराव भारतीय जनता पार्टी का समीकरण प्रभावित कर सकते हैं। 26 अक्टूबर को असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्यसभा के सांसद दीपक प्रकाश मिसिर उराव को मनाने गए थे। मिसिर उराव ने उसी दिन अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बस इतना लिखा था कि अफवाहों में कोई दम नहीं है। जाहिर तौर पर उन्होंने मनसा जाहिर कर दी थी कि वे चुनाव मैदान से नहीं हटेंगे। गुमला विधानसभा के रायडी इलाके में आदिवासियों के बीच मिसिर उराव की अच्छी पकड़ रही है और अब यह देखा जाना है कि भारतीय जनता पार्टी मिसिर उराव की सिंधमारी से कैसे बचती है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीकरणों को भी वो किस हद तक प्रभावित करते हैं। गुमला सीट से निकलकर हम चलते हैं कोल्हान इलाके में, जहां अब भी भारतीय जनता पार्टी के कई बागी उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। जमशेदपुर पूर्वी सीट से रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू चुनाव लड़ रही हैं और यहां से पार्टी के पुराने कार्यकर्ता शिवशंकर सिंह और राजकुमार सिंह दोनों ने नामांकन भरा है। दोनों लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पार्टी के पुराने कार्यकर्ता होने के नाते वे चुनाव समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसका अंदेशा है और पार्टी के रणनीतिकार और नेता इस ओर नजर लगाए हैं। जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर भी कुछ स्थिति ऐसी ही बनती दिख रही है। हालांकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी जदयू के लिए छोड़ी है और यहां से जदयू के हाई प्रोफाइल चेहरे सरयू राय चुनाव लड़ रहे हैं।
सरयू राय ने 2019 के चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी सीट पर रघुवर दास को हराया था और रघुवर दास तब मुख्यमंत्री थे। अब जमशेदपुर पश्चिम की सीट पर सरयू राय का मुकाबला कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर और सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता से होना है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के एक पुराने कार्यकर्ता विकास सिंह ने नामांकन उम्मीदवार के तौर पर यहां अपना पर्चा दाखिल किया है और बागी बनकर वो लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहा है। विकास सिंह एनडीए के समीकरणों को कितना प्रभावित करेंगे यह भी देखा जाना है। कोल्हान की एक सीट की ही चर्चा कर लें, वो है ईचागढ़ की सीट। भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट अपनी सहयोगी आसू पार्टी के लिए छोड़ी है और आसू ने यहां हरे लाल महतो को उम्मीदवार बनाया है। आसू के लिए यह सीट छोड़े जाने के बाद पार्टी के पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने मैदान में खम ठोक दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उन्होंने नामांकन भरा है। अरविंद सिंह और उनके समर्थक इस बात को नाराज हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह सीट आसू के लिए छोड़ दी। तीन बार के विधायक रहे अरविंद सिंह की भी जमीनी पैठ रही है। पिछले चुनाव में भी ईचागढ़ में उन्होंने 32,000 वोट हासिल किए थे। अब भारतीय जनता पार्टी और आसू अरविंद सिंह की सेनमारी से कैसे बचती है इसे भी परखा जाना है। उधर पोटका में मेनका सरदार की बगावत के बाद पार्टी के रणनीतिकारों ने उन्हें मना लिया है और अब वे अर्जुन मुंडा की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मीरा मुंडा के समर्थन में लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ और भी सीटों पर मुश्किलें की राह बनी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आसू पार्टी के कई बागी उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। कुछ यही स्थिति तमाड़ रिजर्व सीट पर है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी जदयू के लिए यह सीट छोड़ी है और आसू पार्टी के भी कई उम्मीदवार बागी बनकर यहां चुनाव मैदान में है। कुल मिलाकर जिस झारखंड में एक एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन के बीच तीखी लड़ाई की तस्वीर उभरती है, वहां कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बगावत और असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले सरायकेला में भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश महाली ने भी पार्टी छोड़ दी थी और अब हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में चंपाई सोरेन को टक्कर दे रहा है। गणेश महाली का भी पार्टी छोड़ना पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लिए एक क्षति के तौर पर देखा जा रहा है। आदिवासियों के बीच भी वे प्रभावी नेता रहे हैं। इस बीच खबर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बागियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की है कर रही है और वो निष्कासन निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त है और इन कार्रवाइयों के बाद भी कोई बहुत असर चुनाव के समीकरण में कोई असर नहीं होना है। असर सिर्फ ये होना है कि बागी उम्मीदवार कितने दमदार तरीके से लड़ते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर किस रूप से सेनमारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलों का सफर ये इसलिए भी है कि जब पार्टी को एक एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से टसल का सामना करना पड़ रहा है और एक एक सीट का गणित सत्ता हासिल करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया, धन्यवाद।